नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस समय जिला इकाई की। जिला इकाई एक तरफ दिनेश लाल यादव और दूसरी तरफ नीलम सोनकर को लेकर के जोश हाई है, क्या नारे लगा रहा है। आज फूलपुर के अंबारी में जो है एक सभा थी। सभा के मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्रनाथ पांडे मौजूद थे। जोश हाई का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की निवर्तमान सांसद नीलम सोनकर जब आज अपनी सभा के दौरान लोगों की भीड़ देखी तो उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब यह आंसू खुशी के थे या गम के, यह देखिए इस रिपोर्ट में जो राम सकल यादव संदीप श्रीवास्तव ने तैयार की। निवर्तमान सांसद नीलम सोनकर को भारतीय जनता पार्टी ने लालगंज से एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। दो दिन से लगातार नीलम सोनकर रोड शो भी कर रही थी, हालांकि क्षेत्र में लेकर के उनके प्रति लोगों की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे लालगंज लोकसभा क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज अंबारी में विजय संकल्प युवा सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। मतदाताओं को रिझाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद से सीधा जुड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि योगी हमेशा आजमगढ़ के साथ खड़े होते हैं। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व कार्ड का भी प्रयोग किया और पिछली घटनाओं को याद दिलाया। इतना कहते हुए उन्होंने कहा कि सपा बसपा गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन भी बताने में देर नहीं की। चलिए, यह तो हुई महेंद्रनाथ पांडे जी की बात। अब बात करते हैं कार्यक्रम की। अपने निर्धारित समय से लगभग 3 घंटे लेट शाम 4:15 पे हेलीकॉप्टर से अंबारी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने कार्यक्रम की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। इस दौरान उन्होंने 15 मिनट का भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने आजमगढ़ को सबसे बड़ा जिला बताया और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ इतिहास रचना जानता है। खैर, पांडे जी की बातें जो भी रहीं वह लोगों ने सुनी। हम बात करेंगे नीलम सोनकर की। दरअसल आज जो यह कार्यक्रम था, विजय संकल्प युवा सम्मेलन, जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो जो उस समय नज़ारा था वह यह था कि कुर्सियाँ आधी से ज़्यादा खाली पड़ी थीं। गांव के कुछ लोग हेलीकॉप्टर देखने पहुँच गए थे। इसके अलावा नीलम सोनकर और अन्य लोगों के बातचीत को सुनते हुए जनता काफ़ी देर तक समय बिताई। पब्लिक के कुछ लोगों को यह भी गलतफहमी थी कि इस कार्यक्रम में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी आने वाला है। हालांकि निरहुआ के नाम का कहीं वहाँ बोर्ड या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं लगी थी, लेकिन गांव वालों को लगा कि हो सकता है नीलम सोनकर का प्रचार करने के लिए निरहुआ यहाँ भी आ जाए, लिहाजा भीड़ थोड़ी और भी बढ़ी हुई थी। महेंद्रनाथ पांडे जी की देर की वजह से वहाँ दूसरे कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन इस दौरान जिले के बड़े बड़े नेता, देखिए इन नेताओं को कौन कौन हैं यह लोग, पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज जो जिला इकाई से संबद्ध रखते थे, जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, देखिए किस तरह भाषण का आनंद, मोदी जी की नीतियों का आनंद लेते हुए बैठे हुए हैं, आराम से आंख बंद करके सो रहे हैं। ये देखिए बगल में दारा सिंह चौहान भी बैठे हुए हैं, नींद शायद इनके ऊपर भी धीरे धीरे हावी हो रही है। अरुण यादव जो कि निवर्तमान विधायक हैं, वह भी देखिए आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी भी शक्ल देख करके आपको क्षेत्र की जनता और भाजपा के उत्साहियों का अंदाज़ा लग गया होगा। अच्छा, यह इन लोगों की बात हुई। अब बात करते हैं नीलम सोनकर की। नीलम सोनकर लगातार 5 साल सांसद रहीं, इस बार चुनावी मैदान में हैं। सीधी सी बात है कि मोदी जी की नीतियों को वह लालगंज लोकसभा सीट पर आम आम जनमानस तक पहुंचा चुकी होंगी। ऐसे में नीलम सोनकर का मनोबल तो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये देखिए नीलम सोनकर की आंखों से टपकता हुआ आंसू, जो इन्हें भीड़ देख करके अंदाज़ा लग गया कि वोटिंग का परसेंटेज पता नहीं इस बार क्या होगा। उनके नाम पर कितने लोग वोट करेंगे यह तो उन्हें शायद खुद भी न पता हो। हाँ, उन्हें यह उम्मीद जरूर है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम पर कुछ वोट जरूर पड़ेंगे। बहरहाल लालगंज का चुनावी समीकरण क्या कहता है यह तो बात की बात है, लेकिन आज के जो हालात दिखे उसे देख करके नीलम सोनकर यह नहीं कह सकती हैं कि जोश हाई है। पत्रकारों ने जब महेंद्रनाथ पांडे से कुछ मुद्दों पर बात की तो महेंद्रनाथ पांडे का जवाब कुछ इस तरह से था, और जवाब पूरा देने के बजाय महेंद्रनाथ पांडे पत्रकारों के सवालों से बचते हुए अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना हो गए। अध्यक्ष जी, अगर आप जी
जीएसटी और नोटबंदी को बड़ी उपलब्धि बताई जा रही थी, लेकिन इस चुनाव प्रचार में कहीं भी जीएसटी और नोटबंदी का कोई जिक्र नहीं है। सैनिकों के नाम पे वोट के प्रचार किया जा रहा है। सैनिकों के लिए जब बहादुरी का काम सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति का निर्णय किया है तो उसका उल्लेख करना जरूरी है, और जहाँ तक विकास के कार्यों पर हम वोट मांग रहे हैं वो हमने किया है। तो क्या नोटबंदी और जीएसटी विकास के दायरे में नहीं आता? नहीं, वो भी आती है, उससे आर्थिक सुधार हुआ, आर्थिक सुधार हुआ है उसकी चर्चा क्यों? और जीएसटी की सारी कमियां दूर करके सरलीकृत कर दिया गया है। वह आज युवाओं के अंदर राष्ट्रवादी चरित्र का अभिनेता है, और राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए दिनेश लाल यादव को यहाँ उतारा गया है। दिनेश लाल यादव नौजवानों के बीच में राष्ट्रवादी चरित्र का अभिनेता है। सपा के लिए उन्हें वहाँ ओवर देने के लिए नहीं रहा उतारा गया। सर सर लास्ट क्वेश्चन सर, सर सर सरोज ने कहा है कि सदर से आपने शिखंडी को उतार दिया, इसके बारे में शिखंडी के रूप में बता सकते हैं? सर मैं इंडियन न्यूज एजेंसी से हूँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पूरे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा नेता जिसका नाम है रमाकांत यादव, वो जो मुलायम सिंह यादव को इतनी टक्कर दे सकता था, आखिर से तो बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी कमल चिन्ह के साथ यहाँ अपील करने आई है। नमस्कार।